Hare Krishna, good evening and welcome all of you all for our Thursday evening class. So we are right now discussing Bhagavatam, Chanto 7, Narasingadeva story. Very interesting, very important. And in Narasingadeva story, we have come to the point where Hiranyakashipu was very angry on his son. They asked him, "Who taught you all this? Kisne aapko sikhaya sab kuch?" And that time, Prahlad Maharaj says, "No, Shanda and Amarka, they are the teachers who are teaching Prahlad Maharaj. And they say, humne kuch nahi sikhaya, because jab Hiranyakashipu pucha tha, what is the most important thing you learned? They said, the nine process of bhakti was sold by Prahlad Maharaj. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, nine stages. इतना ज्ञान किसके किसने दिया तुझे? तो शंड एंड अमरक द टीचर्स ऑफ प्रहलाद महाराज सेड, वी डिडंट टीच हिम। तब प्रहलाद महाराज जब का जवाब दे, ही गिव्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, बिकॉज़ आस्क्ड फ्रॉम वेयर एंड हाउ डिड यू लर्न दिस। ही सेज, मदिर्ने कृष्णे परतो सतो वा मितो अभिपद्यते गृहव्रताम पदांत गोपीर विशदत्त मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवाणाम। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7.5.30, 7th कैंटो, 5th चैप्टर, वर्स नंबर 30। प्रहलाद महाराज रिप्लाइज, बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस, पर्सन्स टू अटैच टू मटेरियल लाइफ मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स हेलिश कंडीशन एंड रिपीटली च्यू विच वॉज ऑलरेडी बीन च्यू। दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कृष्णा, देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कृष्णा आर नेवर अरोस्ट ईदर बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स और बाय देयर ओन एफर्ट्स और बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मतिर मतिर मतलब हमारा मन, मतिर मतलब सिर नहीं, मतिर का मतलब है मन, हमारा झुकाव न कृष्णे, कृष्ण के ऊपर नहीं जाए। कैसे? किसी के कहने पर भी नहीं जाएगा। By someone telling, please come on, do devotion service, it's important, he will not go. Secondly, परतो सतो, खुद से भी, of his own also he will not get inclined towards God. अच्छा, दोनों के, खुद से भी नहीं, दूसरे से बोल के भी नहीं। क्यों? गृह प्रताम, he is enjoying household life, and household life is most dangerous. आप बोलेंगे, क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, क्या सब छोड़ छाड़ के ब्रह्मचारी बन जाएं? हाउस होल्ड लाइफ मीन्स वॉट? अ लाइफ विदाउट हैविंग गॉड इन द सेंटर, भगवान को बीच पर रखे बगैर अगर कोई गृहस्थ अपना जीवन निर्वाह करता है तो वो सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? अदांत गोपीर, अदांत मतलब जिसने अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया है। गृहस्थ का मतलब क्या है? अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भक्ति कर सके, उसको गृह आश्रम कहा, गृहस्थ आश्रम कहा। और क्या हो रहा है? और जो व्यक्ति हु इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस, विशुद्ध तमिश्रम, वो नरक में जाता है। और क्या करके? पुनः पुनः चरवित चरवाणाम, बार बार वही कृत्य करता है, वही कार्य करता है जिससे कोई भी नया नहीं, देयर इज नथिंग न्यू। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक, आई नो पूजा माता जी मस्ट टेकन दिस टू वर्सेस लास्ट यस टाइम, प्रभु, थर्टी फॉर थ्री, ऑल द थ्री एडेड, 30, 31, 32। थर्टी, सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस, 3 वर्सेस, बट लेट्स हैव अ फास्ट रिविजन बिफोर यू गो अहेड, बिकॉज एज यूजल रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल मैटर इज वेरी हाई कंपेयर टू मटेरियल मैटर। ये अगर कोई फिल्मी गाना हो दिमाग में पटक से बैठ जाएगा, मगर भक्ति का चीज तुरंत उड़ जाता है, क्लास खत्म होते ही, एग्जिट करते ही पूरा उड़ जाता है, दैट्स अ ट्रेजेडी। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, पुनः पुनः चरवित चरवाणा, व्हाट डज दिस मीन? हम लोग बार बार, टाइम एंड अगेन, वी आर इंटरेस्टेड इन द सेम हैप्पीनेस,
सो कॉल्ड हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस कौन सा है? इंद्रिय तृप्ति, बस वही खाना, वही अच्छा पहनना, वही अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छे चप्पल पहनना, अच्छे हेयर कट करना, अच्छा मेकअप करना, बस उसी में। व्हाट्स न्यू? नथिंग न्यू, और उसी में पूरा हमारा आयु। एंड व्हाट डस प्रहलाद महाराज से इज मोर इम्पोर्टेंट? द 31th verse, इसे नाते विदु स्वार्थ गतम ही विष्णु। उनको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि उनका स्वार्थ किस में है। स्वार्थ का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वार्थ? कम ऑन टेल मी, कोई मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वार्थ? स्वार्थी व्यक्ति बोलते हैं ना, मतलब क्या है? प्रभु जी, जो खुद का भला चाहता हो उसमें। खुद का फायदा सोच। हु थिंक्स अबाउट हिज पर्सनल प्रॉफिट, एंड हु इज दैट पर्सन? पर्सन हु थिंक्स अबाउट पर्सनल प्रॉफिट, वी थिंक आई हैव टेकन योर मनी, आई हैव टेकन योर थिंग्स, इट्स माय पर्सनल प्रॉफिट, और आई हैव एक्टेड स्मार्ट, आई हैव स्टोलन योर थिंग्स। नो, दैट्स नॉट पर्सनल प्रॉफिट, दैट ऑल कम्स अंडर द लॉ ऑफ कर्मा। हियर व्हाट इज योर पर्सनल प्रॉफिट? अ प्रॉफिट इज वन which you can take with you after death. We all are busy collecting things which we have to leave at the time of death. Let's say, you know, Sujata Mataji ने कल बड़ा बिजनेस किया, करोड़ों रुपए कमाए, लेके जा सकते हैं मृत्यु के बाद? लेके जा सकते हैं? Can you take it at the time of death? No, you have to leave it. So you are not doing your असली स्वार्थ, you are a soul, और soul का असली स्वार्थ कौन सा होना चाहिए? स्वार्थ मतलब फायदा, बेनिफिट, टू गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, टू डू डिवोशनल सर्विस। रेस्ट व्हाट एवर मटेरियल थिंग्स यू विल अर्न, यू विल गेट, यू विल ऑब्टेन इन दिस वर्ल्ड, इट्स अ बिग वेस्ट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेथ यू कांट कैरी योर आईफोन, यू कांट कैरी योर आईपैड, यू कैन नॉट कैरी योर लिमोजिन कार, योर बीएमडब्ल्यू कार, नथिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो हियर। एंड हम लोग स्वार्थी उस उन चीजों के लिए बनते हैं। We think I'll have a better car, I'll have a better house. No. So understand, सलमंद व्यक्ति क्या है? जिसको अपना असली स्वार्थ, who knows his personal benefit. What is his personal benefit? नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। उनको पता नहीं है, they don't know उनका स्वार्थ क्या है, विष्णु है। जो भक्ति से विमुख है उनका, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? This is the problem, that उनको अपना असली फायदा पता नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, फॉर मी माय हाउस, माय कार, माय माय फैक्ट्री, माय बिजनेस, माय यू नो लैंड, माय प्रॉपर्टी। नो, दैट्स नॉट योर असली स्वार्थ। योर असली स्वार्थ इज विष्णु। दुराश्रया ते बहिरर्थ मानी ना। हाँ, एक तो वो बहुत आशा रखते हैं, बहुत डिजायर्स, आईफोन होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बस बहुत छोटी आउटलुक। और एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। सो दुराश्रया, एक तो वो लोग रॉन्ग सपोर्ट में जाते हैं, रॉन्ग चीजों के पीछे आते हैं। बहिरर्थ माने ना, हाँ, जो खुशी बाहर की चीजों से मिलता है, दे आर द पीपल, दोस फूल्स, दे आर द सबसे बड़े गधे हैं जो अपने बाहर खुशी ढूंढना चाहते। बाहर मतलब जैसे अच्छा खाना मिला बाहर से, है ना, अच्छा शरबत मिला पीने को, अच्छा चीज देखने को मिला, अच्छा चीज सुनने को मिला, सेक्सुअल इंटेलिजेंस, दीज आर ऑल थिंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, दे आर नॉट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। एंड हम लोग इतने बुद्धू हैं, वी थिंक दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज नॉट हैप्पीनेस, एब्सोल्युटली नॉट हैप्पीनेस। यू आर ओनली सैटिस्फाइंग योर सेंसेस, आपकी इंद्रियों को आप खुश कर रहे हो, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वन हु सर्चेस हैप्पीनेस इनसाइड, अपने अंदर, खुद के अंदर खुशी ढूंढेगा वो। और बेवकूफ लोग क्या करते हैं? दुराश्रया बहिरर्थ मानी ना,
यथा अंधेर उपनीयमानम। जैसे ये कैसा है मालूम है, शास्त्र कितना स्ट्रांग है, सोचो कितना बढ़िया बात कह रही है। एक अंधे को देख के दूसरा, एक अंधे का हाथ पकड़ के दूसरा अंधा चलो, क्या अंधा आपको लेके जा सकता है सही जगह पे? उसको खुद को नहीं दिख रहा है, वो आपको सही जगह पे दिखाएगा। और हम लोग वही कर रहे हैं ना, हम लोग किसी शास्त्र या गुरु के पास नहीं जाएंगे, और किसी दोस्त के पास जाएंगे या किसी ऐसे व्यक्ति को जाएंगे, अरे भाई आपके पास कोई मंत्र है क्या ज्यादा पैसा बनाने का, धनाधन मेरा बिजनेस चलना चाहिए, ऐसा कुछ आपके पास नुस्खा है क्या? तो हम लोग गुरु भी उसी के लिए करते हैं ना, गुरु क्यों बनाते हैं? व्हाई डू वी हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर? हु इज अ स्पिरिचुअल मास्टर बाय द वे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर? अपेक्षित टेल मी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर? हरे कृष्ण प्रभु जी, यस, स्पिरिचुअल व्हाट इज मास्टर इज वन गुरु? हु गुरु टेल्स हाँ हु नो हाँ यस गुरु इज समवन हु टेल्स यू हु इज गॉड, और उसमें हाँ हु इज गॉड वो बताता है, और हु इज नॉट गॉड वो भी बताता है, यानी एक और पॉइंट था पर मुझे ये हु इज ट्रू गॉड वो बताता देयर इज है। ओनली वन ट्रू गॉड एंड गॉड इज ओनली वन। ओके, देयर आर हाँ टू यस गॉड एंड गॉड। ओके, मोस्ट हाँ हु इज ट्रू गॉड इंपॉर्टेंट, वो प्लीज बताता है। रिमेंबर, ही टीचेस यू द वे, द प्रोसेस बाय विच यू कैन अटेन गॉड। जिस तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है वो गुरु। और हम लोग गुरु के पास क्यों जाते हैं? प्रभु जी आशीर्वाद दे दो, मेरा बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, प्रभु जी आप आशीर्वाद दे दो, कुछ मंत्र दे दो, कुछ ताबीज दे दो, कुछ धागा दे दो, नो बाय दैट माई चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। नो, दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ हैविंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर इज फॉर द सोल, नॉट फॉर द बॉडी, एंड दीज थिंग्स आर फॉर द बॉडी। तो इसे अंधे यथा यंधम, एक के लिए आजकल बाबाओं के ऊपर ज्यादा भरोसा है भगवान से ज्यादा, है ना? लोग बाबाओं के पास क्यों जाते हैं? एक अंधा गया उधर, अरे मैं गया बाबा के पास, चमत्कार दिखा दिया उसने, ही शोड मी वेरी नाइस चमत्कार। यू नो आई हैड गॉन टू तिरुपति लास्ट वीक, सो आई वॉज ऑन द ट्रेन कमिंग बैक, एंड आई हैड अ कपल ऑफ अ ग्रुप ऑफ अराउंड 10-12 पीपल हु आर ऑल गोइंग टू शिरडी। मैं बोला मैं यहाँ से तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान को मिलने जा रहा हूँ, और वो लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं क्यों? बाबा को। और क्या बोलते हैं? बाबा ने चमत्कार दिया। तो क्या चमत्कार? नहीं, सपने में आए थे, एक औरत बोल रही थी ट्रेन में, तो आए थे, मेरे को बोले तुमको मैं नीम का पत्ता मेरे लिए लेके आना। और मैं अगला दिन गई मंदिर में, नीम का पत्ता कहीं नहीं मिल रहा था, एक नीम का पत्ता नहीं मिल रहा था। एक आदमी आया, उसने मुझे हाथ में नीम के पत्ते दिए, वो मैंने बाबा को चढ़ा दिए। व्हाट्स दिस? द प्रॉब्लम इज वी आर ऑल स्टक इन चमत्कार को नमस्कार। वी ऑल वॉन्ट मिरेकल्स, हम लोग सब जादू चाहते हैं। एंड याद रखना, भौतिक दुनिया में कोई जादू होता नहीं। वॉट जादू यू हो? प्रहलाद महाराज को जिस तरीके से भगवान ने बचाया, उससे बड़ा कोई जादू चाहिए अब? यू वॉन्ट टू सी एनीथिंग बिगर देन दैट एज अ मिरेकल? दिस इज वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स। वी पीपल वॉन्ट जस्ट नो नो, हाथ से पैसा गिरे और बोलते हाँ जाओ पानीपुरी खाओ, तुम्हारा शादी हो जाएगा, बेटे का शादी हो जाएगा, एंड पीपल आर फूल्स, लाइक फूल्स रेडी टू बिलीव दैट। वाई? देयर इज नो फेथ ऑन गॉड, एंड दे डोंट नो वॉट इज देयर असली स्वार्थ। अरे हाँ, ये जन्म में शादी हो गया, ये जन्म में नौकरी मिल गई, आगे क्या? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वापस मरो, वापस जन्म लो, वापस मरो। अरे भगवान ऐसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं है, आपकी नौकरी दिलाने के लिए, आपकी शादी कराने के लिए, आपको बच्चा देने के लिए नहीं बैठे हैं। वो अपने आप अपने कर्मों से होता है, दैट कम्स इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज पर योर कर्मस।
स्टैंड अपसाइड डाउन ऑल्सो, नथिंग विल हैपन बिफोर टाइम. इसके लिए कहावत है ना, वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता. इट इज अप्लाइज एज पर द लॉ ऑफ कर्मा. वॉट अप्लाइज हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉर द सोल. इसके लिए लंपट गुरु, आई फॉरगॉट द वर्ड, है ना, लंपट गुरु लंपट चेहरा, नरक में करे टेलम टेला. इट्स लाइक दैट. चीट दोनों, गुरु भी चीटर चेला भी चीटर, डोंट वरी, दोनों नरक में बैठ के टेलम टेला करेंगे. क्यों? अंधा यथा अंधा थी, शास्त्र कैन नेवर बी रॉन्ग. अंधा यथा अंधेर उपनीयमानाम, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को ले गया यार. एंड ते अपिस्तंत्रम तंत्रयम पुरु दामनी बद्धः. और ऐसा लगता है वो लोग भौतिक दुनिया के साथ बंधे हुए. दे आर टाइड हार्ड, यू नो, लाइक किसी रस्सी से बांध दिया गया है. दे आर टाइड हार्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड दे डोंट वांट टू गेट आउट. दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. एंड परीक्षित महाराज इज सेइंग दिस. और ये सुनने के बाद क्या किया इन्होंने? सीधा मारो. हिरण्यकश्यप ने क्या बोला? मारो उसको. Put him to all type of tortures. सब तरीके के टॉर्चर्स में डाल दिया, कभी हाथी के पैर के नीचे, तो कभी पहाड़ के ऊपर से, तो कभी इधर से. एंड एवरीवेयर प्रहलाद महाराज वाज सेम, बिकॉज वो भक्त थे. ही वॉज अ डिवोटी एंड डिवोटी इज नॉट वरीड अबाउट एक्सटर्नल कंडीशंस. राखो भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हार. दैट्स व्हाट अ डिवोटी सेज. मार रखना है तो रखो, मारना है तो मारो, जो भी इच्छा हो वही करो. आई एम हैप्पी इन वॉट एवर कंडीशन यू कीप. कृष्णा यू आर हैप्पी कीपिंग मी इन ट्रबल. आई एम ओके, आई एम हैप्पी इन ट्रबल. दिस इज द फर्स्ट क्रक्स यू ऑल वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट. वन हैज टू इन सम वे और द अदर पुट हिज माइंड. And then miracles will happen of its own course. What people find outside, people think it's a miracle. Why? Because doing nothing, it things are happening, they think. And that तभी तो ये धर्मांतरण सब होता है ना. तो कई बार वीडियो देखते हैं ना, तो कोई पादरी आता है, कुछ पानी डालता है और एक लंगड़ा भी चलने लगता है. अगर धर्म से अगर सब कुछ हो जाता तो सभी अस्पतालों को ताला लग जाता. अमेरिका में एक भी हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए. ऑल द हॉस्पिटल्स इन अमेरिका इन द एंटायर यूरोप शुड हैव बीन क्लोज्ड जस्ट इफ द फादर कम्स एंड पुट सम वाटर एंड इफ अ लेम मैन इज एबल टू डांस एंड वॉक. बट द प्रॉब्लम इज दैट्स व्हाट वी वांट टू सी. हम वही देखना चाहते हैं. अरे वाह क्या चमत्कार हो गया, चलो इस धर्म में चले जाते हैं, इस बाबा के पीछे जाते हैं, इसके पीछे भागते हैं. बस वो भी नचाता है और हम भी नाचना चाहते हैं. फर्स्ट वी हैव टू चेंज. When you change, automatically such people will get out of the market. Because whenever there is a demand, there is a supply. जब जिस चीज की मांग होती है ना, उसकी पूर्ति होती है. आप लोग अपनी मांग बदल दो तो अपने आप पूर्ति हो जाए. तो आफ्टर प्रहलाद महाराज सेज ऑल दिस एंड आफ्टर ऑल द टॉर्चर एंड देन हिरण्यकश्यप को बहुत टेंशन आ गया. टेंशन क्यों आया? मैंने इतना कोशिश किया मारने के लिए, अभी तक मरा नहीं, अब क्या करूं? तो इसे अप्रमेयो बहु बहु अयम अकुतश्चित भयो अमरः गुणाम एतात् विरोधेन मृत्यु में भवती ना वा. वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट. 7.5.47 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. कहते हैं अप्रेम भवतो अयम, अनलिमिटेड ताकत है इसके अंदर और ना डर है इसके अंदर. भवो भवो मतलब भया, भया भी नहीं है इसके अंदर और अपार शक्ति है. हाथी के पैर के नीचे नहीं मरा. ही डिडंट डाई फ्रॉम थ्रोइंग फ्रॉम इन अ वेल ऑफ स्नेक्स.
from pushing from the mountain. My God, how, from where it is he getting? Definitely, क्या ये अमर है? क्या लगता है ये अमर है? He will not die. भौतिक व्यक्ति को यही लगता है ना, ये अमीर है बिकॉज मर नहीं रहा है. इताद विरोधेन है, और अगर इसको मैंने विरोध किया, इफ आई अपोज हिम, मेरी मृत्यु हो जाएगी. सी हाउ क्लेवर और क्रुकेड हिरण्यकशिपु इज. ही सेइंग इफ आई ट्राई टू किल दिस फेलो, इतना मैंने कोशिश किया, मरा नहीं. इसके ऊपर किसी ना किसी का बैकिंग है भाई, किसी ना किसी का हाथ है, और अगर इसको मैं और सताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी. ये सोच के हिरण्यकशिपु सेट, जाओ जाओ स्कूल जाओ, वापस जाओ. और शंडामर को बोला, भाई ठीक से पढ़ाओ उसको, टीच हिम प्रॉपरली. सेंड एन अमर टर्क प्रहलाद टू स्कूल एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम अगेन. बट प्रहलाद महाराज का एक स्पेशलिटी, वो फ्री टाइम में बैठते थे ना, फ्री टाइम मतलब आजकल स्कूल में रिसेस होता है, और वो स्कूल में जल्दी पहुंच गए स्कूल छूटने के बाद. आजकल आजकल बच्चे जो है वो स्कूल के रिसेस में करते क्या है, इंद्रिय तृप्ति की वस्तु ढूंढते रहते, पिज्जा पास्ता एंड क्या क्या कचरा है, सैंडविचेस ये वो, बस आजकल वही कचरा ढूंढते रहते. मगर प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे, मस्त भगवान का नाम लेते और दूसरों को भी बताते, उसे मतलब अपने क्लास के बाकी बच्चों को भी बताते थे, अरे भाई आप भी भक्ति करो, फायदे का चीज. ये भौतिक दुनिया का भागदौड़ करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान दे रहे थे. या सिंपल बात बोले तो एक भक्त का गुण है, भक्त का गुण क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ, स्पेशल क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, ही प्रीचेस टू अदर्स, ही टीचेस अदर्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग डिवोशन. This is the first thing which Prahlad Maharaj did. During his free time, he would teach his friends about the uselessness of this material way of life. And being very kind to them, he would instruct them as follows. And his friends would also listen to him. ये बड़ी बात है कि वो लोग सुनते थे, आजकल सुनते नहीं. इतने लोग कास्ट में आते नहीं आजकल, लोग टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, बट भगवत गीता का क्लास को या भागवतम का क्लास को नहीं आते. सो इन 7.6.1 प्रहलाद महाराज सेज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, धर्मान भगवता भगवतान इह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदापि अध्रुवम अर्थधाम. वाज दिस वर्क्स डिस्कस्ड माता जी? यस प्रभु जी, आई हैड डन, बट प्लीज आप फिर से कर दीजिए एक बार. आई डिस्कस दिस प्रभु जी, अच्छा, बट आप फिर से एक बार रिवाइज या कर या लीजिए. ब्रशअप करना पड़ेगा. डोंट वरी, नेक्स्ट वीक अगेन इफ आई रिपीट द सेम वर्ड्स पीपल ऑल्सो लिसन टू दैट हैपन. सो प्रहलाद महाराज से थे, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, धर्मान भगवतान इह. कहते हैं कौमारम, कौमार मतलब छोटी उम्र में, छोटी उम्र में भक्ति करना शुरू कर दो. धर्मान भगवत भागवताम इह, धर्म मतलब अपना जो धर्म, धर्म क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हिंदू धर्म मुसलमान धर्म, नहीं वो धर्म नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये सब आश्रम है. और धर्म हमारा ड्यूटीज है, जिस चीज को हम करते हैं. जैसे हम अगर बेटा है तो हमको पुत्र धर्म होता है, जब बड़े होके शादी हो जाता है तो पति धर्म और पुत्र धर्म दोनों रहता है, फिर बच्चा होता है तो पति बेटा धर्म, पति धर्म और पिता धर्म, ये सब धर्म है. हमारा देश के प्रति धर्म है, वी गॉट अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स अवर कंट्री, टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, टुवर्ड्स अवर रिलेटिव्स, एवरी वन, वी गॉट अवर ड्यूटी. बट द ट्रेजेडी इज वी डू अवर ड्यूटी टुवर्ड्स एवरी वन, सबके प्रति हमारा धर्म निभाते हैं, अरे ये मेरा भाई है, मेरा भाई, उसका मेरा भाई का धर्म है उसके प्रति, मेरा पिता का धर्म है, मेरा बेटे का धर्म है, मेरा पति का धर्म है, मेरा पत्नी का धर्म है, मेरी माँ का धर्म है, एवरीथिंग वी फॉलो. मगर जिस भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, जिस भगवान ने हमको इस पूरा सृष्टि को चला रहे हैं,
जो हमारे अंतिम गति है, इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, उनके प्रति हमारा धर्म कब निभाएंगे और कैसे निभाएंगे? तो ज्यादा मत ये, व्हाट डू यू फील, हम भगवान के प्रति हमारा धर्म है या नहीं? मुझे पूछा प्रभु जी। यस, आप बताइए, व्हाट जी डू यू फील रिगार्ड हम ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड? प्रभु जी, वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड हियर टू बिकॉज अवर वी आर अ ड्यूटीज, पार्ट, या वी आर अ पार्ट यस एंड पार्सल ऑफ इट, सो वी हैव अ ड्यूटी। यस। तो इफ वी हैव अ ड्यूटी वी हैव टू डू, शुड वी नॉट स्पेयर टाइम फॉर दिस? क्या भक्ति के लिए हमको वक्त नहीं निकालना है? बाकी हाँ सब चीजों के बिल्कुल, लिए वक्त निकलता है, सिर्फ भक्ति के लिए वक्त नहीं निकलता है। भक्ति के लिए वक्त नहीं निकलता, बाकी सब चीज के लिए। और ये हमारा वो भी एक, ये भी एक धर्म है। दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ अवर्स दैट वी डू अवर डिवोशन एज अ पार्ट ऑफ थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, एक चलता हुआ शरीर, काम करने वाली आंखें, काम करने वाले कान, चलने वाली जुबान, ठीक ठाक हाथ पैर, बुद्धि भी मंद बुद्धि के नहीं है हम, शरीर के सारे अंग चल रहे हैं, और किडनीज आर फंक्शनिंग और लिवर इज फंक्शनिंग, सो मेनी थिंग्स आर फंक्शनिंग। ये सब देने के बाद भी एक बार कम से कम थैंक्स तो बोलना चाहिए। और हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान तुमने पड़ोसी को इतना दिया, मुझे कितना दिया? यू आर गिवन माई नेबर लॉट्स बट यू आर नॉट गिवन मी, यू आर गिवन एवरी वन बट नॉट मी, बट यू आर नेवर सीन वॉट गॉड हैज गिवन यू एंड वॉट यू एक्चुअली हैव। सो आफ्टर ऑल दैट कौमारम आचरे, सो इट इज बेटर वी स्टार्ट अवर डिवोशन एट अ अर्ली एज। वाई? बिकॉज दुर्लभ ही मनुष्य जन्मम, दुर्लभम, बहुत कम चांस मिलता है मनुष्य का जन्म का। से प्रभु जी, हमारा मनुष्य जन्म का जो पॉपुलेशन है, द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग मोर देन दैट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स आर गेटिंग इंस्टिंक्ट एंड ह्यूमंस आर बिकमिंग मोर। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइन फ्रॉम द शास्त्र, दुर्लभ ही मनुष्य जन्म? How do you understand it? Come on, explain. हरे कृष्ण प्रभु जी। ट्राई Yes. करूं हाँ. क्योंकि नेक्स्ट यानी हमारा जो भी नेक्स्ट बर्थ है वो फिक्स नहीं है, तो इसके लिए ह्यूमन बर्थ जरूरी है। आई एम सेइंग दुर्लभ ही मनुष्य जन्मम, कमान 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 फास्ट। अरे बोलिए, ये लोग बैठे हैं, बोलिए बोलिए। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं और भगवान के पास जा सकते हैं थ्रू द यू आर भक्ति। क्लोज बट यू आर नॉट करेक्ट, यू आर क्लोज बट यू आर नॉट करेक्ट। प्रभु जी, आप क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं क्या? दुर्लभ ही मनुष्य जन्मम, तो मनुष्य मनुष्य जन्म दुर्लभ है ऐसा क्यों कहा गया? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट मनुष्य जन्म? प्रभु जी, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है और उस बुद्धि से हम सत्संग कर सकते हैं, मतलब तो सही दैट्स गलत की नॉट द उपयोग। करेक्ट आंसर, द वर्ड इज वेरी ट्रिकी ओवर हियर। प्रहलाद महाराज इज यूजिंग दिस वर्ड, दुर्लभ ही मनुष्य जन्मम। मनुष्य गुरु जी, कौन है? जो भक्ति करता है वो मनुष्य है, जो भगवान को जानता है वो मनुष्य है, नहीं तो वो द्विपादीय पशु है। शरीर इंसान का मिलना काफी नहीं है, टू हैव अ ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ बिग चैलेंज, वी ऑल केयर, वी आर सो मेनी पीपल आर हैविंग ह्यूमन बॉडी, बट उसमें देर आर एथिस्ट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमंस। व्हाई? दे डोंट कंसिडर गॉड, दे डोंट कंसिडर देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, दे डोंट कंसिडर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। So what is, who is a human, actually human being?
धर्म अधिक विशेषो, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज इंसान और जानवर दोनों करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं, हम भी बच्चा पैदा करते हैं वो भी बच्चा पैदा करते हैं, और कोई मारने आए तो हम अपना बचाव करते हैं और जानवर भी अपना बचाव करना करता है। सो फोर थिंग्स कॉमन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, कॉमन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। सो देन व्हाट मेक्स यू ह्यूमन बींग, मनुष्य क्या, किस चीज से आप मनुष्य बनते हो? धर्म अधिक विशेषो, जो व्यक्ति सारे धर्म निभाता है, भगवान के प्रति अपना धर्म निभाता है, ही इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली ए मनुष्य, बाकी कोई मनुष्य नहीं है। आपको कई सारे लोग दो पैरों पे चलने वाले दिखेंगे मगर वो मनुष्य नहीं कहते। हाँ, साइंस उनको ह्यूमंस कहता है, साइंस हैज ओनली वन कैटेगरी ह्यूमंस, बट शास्त्र गोज वन स्टेप अहेड, कहते हैं वो तो द्विपादी पशु है क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता है, मगर जो भगवान को मानता है उसको मनुष्य कहा गया है, भक्त नहीं कहा गया। और वो अगर छोटपन में छोटे उम्र में अगर भक्ति करना शुरू करता है, देन ही इज ब्लेस्ड इन द लॉन्ग रन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन या अभी भी कोई डाउट है? किशन यू सेड हम लोग के पास बुद्धि है, जी हम कर प्रभु सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट करते कितने लोग? दैट्स अ डिफरेंस, दैट्स अ स्लाइट डिफरेंस। कितने लोगों को हम बुलाते हैं क्लास में, आइए, आते नहीं, आते हैं तो सुनते नहीं, सुनने के बाद जीवन में कभी अमल करते नहीं, और कई बार एक ही बार आके भाग जाते, बिकॉज वो मनुष्य कैटेगरी में नहीं आते, वो कैटेगरी में आते हैं द्विपादी पशु, जो आहार निद्रा भय मैथुन में अटका हुआ है, भले शरीर का इंसान का है। सो दैट इज व्हाई प्रहलाद महाराज इज गेकिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेटमेंट, दुर्लभ ही मनुष्य जन्म। एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज मोर इम्पोर्टेंट, तथापि अध्रुवम अर्थधाम। अध्रुवम का मतलब क्या है? बहुत ही टेम्पररी है। कोई बता सकते हैं? कल सुबह जिंदा रहेगा, कल सुबह क्या, आज रात जिंदा रहेगा। लाइफ इज वेरी वेरी अनसर्टन, दैट इज व्हाई इट इज सेड, इस पल का ठिकाना नहीं, कल का क्या बात कर, है ना? वी डोंट नो, अभी मैं लेक्चर देखते देखते मुझे हार्ट अटैक आ सकता, मैं भी मर सकता। इट इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड वेरी वेरी टेम्पररी, एनी टाइम इट कैन बी। तो बेटर क्या है? तथापि अध्रुवम अर्थधाम, फिर भी इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मनुष्य शरीर में ही आप भक्ति कर सकते हो, मनुष्य शरीर में ही आप डिवोशन कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वी स्टार्ट डिवोशन एट अ यंगर एज, कौमारम आचरेत प्रातिहो, वी स्टार्ट योर डिवोशन एट अ यंगर एज, द बिगेस्ट बेनिफिट इज इवन इफ यू डाई अर्ली नो प्रॉब्लम, एंड दैट इज वॉट प्रहलाद महाराज डिड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ प्रहलाद महाराज, ही इज नॉट नॉट जस्ट सेइंग थिंग्स, ही हिमसेल्फ इज फॉलोइंग इट। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए गुरु ऑल्सो। गुरु आपको बोले अरे मत खाना, आप लोग दारू मत पीना और खुद पिए, ठीक है चलेगा? गुरु बोले आपको एक गलत कार्य मत करना, खुद गलत कार्य करे चलेगा? तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट प्रहलाद महाराज इज सेइंग, ही इज हिमसेल्फ फॉलोइंग, ही हिमसेल्फ एट अ यंग एज हैज स्टार्टेड डूइंग डिवोशन ऑफ विष्णु, बिकॉज ही नोज हिज स्वार्थ, ही नोज हिज रियल बेनिफिट, एंड दैट इज व्हाई ही इज डूइंग वर्शिप ऑफ विष्णु। We also can do develop bhakti of Vishnu either in the form of Krishna or in the form of Rama. Ram is also an extension of Vishnu. Krishna is also an extension of Vishnu. They all come in the same category. So that is why Prahlad Maharaj is saying this very important line. Tadapi Adhruvam Arthadham.
तो पहला चीज तो मनुष्य बनना दुर्लभ है। मनुष्य मतलब कम से कम भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अ पर्सन हु गेट्स दिस डिजायर ऑफ हु आई एम, फ्रॉम वेयर हैव आई कम, व्हाट इज माय पर्पस ऑन दिस अर्थ, एंड व्हाट विल आई, व्हाट विल आई, वेयर विल आई गो आफ्टर डेथ। वन हु गेट्स दीज क्वेश्चंस, दीज डाउट्स अबाउट हिमसेल्फ एज अ सोल एंड इज रिलेशन टू गॉड, ही इज अ मनुष्य। एंड देन दिस लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हाउ शॉर्ट यू विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वर्स, बट इट इज मोस्ट रिवॉर्डिंग। वाई रिवॉर्डिंग? बिकॉज दिस ओनली इन दिस ह्यूमन बर्थ यू कैन गो बैक टू गॉड हेड, गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ द रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। रेस्ट कोई भी योनि में निकलना नामुमकिन है। सुखम ऐन्द्रिकम दैत्यः देह योग देहिनाम स्वार्थे लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् आयनतः। प्रहलाद महाराज सेस, दिस 6.7.6.3 वेरी इंपॉर्टेंट। प्रहलाद महाराज सेस, माय डियर फ्रेंड्स, बोर्न ऑफ डेमोनिक फैमिली, द हैप्पीनेस परसीव्ड विद रेफरेंस टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स बाय कांटेक्ट विद द बॉडी कैन बी ऑब्टेंड इन द फॉर्म ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस पास्ट रूटेटिव एक्टिविटीज। सच हैप्पीनेस इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेंड विदाउट एंडेवर, जस्ट एज वी ऑब्टेन डिस्ट्रेस। बहुत जरूरी बात कहते हैं। हम लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। वी ऑल रनिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और सेंस ऑब्जेक्ट्स बाय कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी कैन ऑब्टेन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपलर मैनर। कई लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, राइट? यू डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ व्हीकल ऑल्सो, बाइक ऑल्सो, एंड समटाइम्स पीपल आर सो पुअर। नाउ डेज मैंगो इज अ वेरी कॉस्टली फ्रूट, टू ईट इज वेरी डिफिकल्ट। यू हैव सीन डॉग्स मूविंग अराउंड इन मर्सिडीज कार, स्पेशली आजकल कुत्ता सिर्फ बाहर रख के हवा खाते हुए जाता है। अभी उसने क्या एफर्ट्स किया था गाड़ी के लिए? अच्छा मालिक ढूंढा उसने? एडीडी सर्च आउट फॉर अ राइट मास्टर फॉर हिमसेल्फ? द पीपल हु गो एंड बाई डॉग्स, दे गो टू अ शॉप एंड दे नो दे चूज अ डॉग। सो मेनी डॉग्स आर देयर, दे चूज वन डॉग एंड दैट डॉग सो लकी is roaming around in a Mercedes car, having the best of the food, going to the best of the parlors, enjoying the best of the things. Now there is one bad lady, you know, moving around in our lane. Once I was going out, I saw the bad lady sitting on the side of the road, and she was eating a mango, and just the season had started. I was wondering, oh, some law of karma is working, and this lady is able to eat mango. And people staying in good houses, in respectable families, they cannot afford to buy a mango and eat when it was around 2,000 rupees a dozen. But she got it from somewhere and she was eating. So, what is Prahlad Maharaj trying to say? We take so much of endeavor and efforts to get happiness. But says, why? Happiness or distress? How many people take efforts for distress? बहुत दिन हो गया कोई तकलीफ नहीं आया, मैं बहुत दिन से बीमार नहीं हुआ, भगवान मुझे कुछ बीमारी दे, मैं बहुत दिन से बीमार नहीं हुआ, भगवान बहुत दिन से मुझे मतलब मुझे खाने से दूर कर दे, मुझे बहुत खा लिया, बहुत दिन से मुझे खाने का मतलब वो भूखा रहने का आदत नहीं है, भूखा रखो मुझे। यू नो से ऑटोमेटिकली फॉल सिक, भगवान बहुत जी लिया मुझे मार दे, डोंट वरी, वन डे टाइम विल कम यू विल डाई आउट ऑफ योर ओन, सो यू डोंट हैव टू आस्क फॉर डिस्ट्रेस, प्रॉब्लम, तकलीफ कभी मांगने की जरूरत नहीं है। बस आपने भगवान से मांगे बगैर जैसे आपको तकलीफ आती है वैसे ही आपको सुख भी आता है।
वह सुख और दुख कैसे आते हैं? हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से। कोई आलिशान बंगला में रहता है, कोई छोटे से झोपड़े में रहता, पैदा दोनों एक ही साल एक ही दिन एक ही समय पे पैदा हुए, और एक अमीर के घर में और एक गरीब के घर पे। हाउ इज दिस पॉसिबल? ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्म। अच्छा, द लॉ ऑफ कर्म इज सो स्ट्रिंजेंट, उल्टा भी नहीं हुआ, वो आत्मा यहाँ और ये आत्मा वहां पैदा नहीं हुआ, बराबर चुन के डाला। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वन मस्ट नॉट एंड्योर फॉर हैप्पीनेस, बिकॉज वन डज वन गेट्स डिस्ट्रेस विदाउट एंड्योर। बिना परिश्रम किए, बिना कोई प्रयास किए दुख जब आ सकता है, तो सुख भी अपने आप आएगा। अपने हिस्से का सुख अपने ही अपने पास ही आएगा, पड़ोसी के घर पे नहीं। बी रेस्ट अश्योर अबाउट, डोंट थिंक अरे कि मेरा पड़ोसी के पास गाड़ी आ गया, मेरे पास नहीं आया। अरे आपके कर्म में लिखा है तो चार गाड़ियां आ जाएगी, और अगर नहीं लिखा है तो कितना भी लाख कोशिश करो नहीं आने। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज गेट दिस वेरी क्लियर। दैट्स व्हाई ब्रदर महाराज सेज स्वार्थ लाभ दैवत, ये सब सर्वत्र लभ्यत दैवत यथा दुखम अन्यथा। जैसे सुख या दुख आता है ये अपने आप आता है, हमको कोशिश करने की जरूरत नहीं। मगर क्या करने की जरूरत है? भक्ति करने की जरूरत है, वो भी छोटे उम्र में ही। देन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड 7.6.6, पुंसो वर्षा सताम ही आयुष तत् अर्धधाम च अजित मनः निष्फलम यत् असौ रात्रिम शेत आर्द्रम प्राप्तस्य तमः। इसे एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ मैक्सिमम ड्यूरेशन लाइफ ऑफ 100 ईयर्स, बट फॉर वन विदाउट कंट्रोल्ड सेंसेस, हाफ ऑफ द ईयर्स आर कंप्लीटली लॉस्ट इन द नाइट, ही स्लीप्स 12 आवर्स एंड बीइंग कवर्ड बाय इग्नोरेंस। मतलब सिर्फ सोता नहीं है, या व्हाट इज से तमोगुण में रहते हुए, अंधकार में रहते हुए उन गतिविधियों में बैठा रहता है जिससे एज गुड एज स्लीपिंग वेस्ट, जिससे कोई फायदा नहीं। एंड दस अ पर्सन लाइफ टाइम इज ओनली 50 ईयर्स लेफ्ट। तो मैं हमेशा कहता हूँ द टेंडर एज ऑफ चाइल्डहुड व्हेन एवरीवन इज बेबिल्डर्ड वन पासस 10 ईयर्स। बचपन में हमको पता नहीं क्या हो रहा है, कोई उठाता है गोदी में, अरे ले बेटा तुम्हारा नाम क्या है, और खुद अपना नाम बच्चे का नाम वो दूसरा बोलता है, तब पता चलता है वो मेरा नाम ये है। बच्चे को मालूम नहीं रहता उसका नाम क्या है, बोलो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बोलो बोले बोलेगा बोलो वैसा। तो 10 साल ऐसे ही बर्बाद हो, और 10 साल से और एक 20 साल तक कैसा जाता है? खेलने कूदने, पिक्चर में, व्हाट्सएप में, या वो कूदने में चल भी चला। और आखिरी के 20 साल कुछ काम के नहीं, बिकॉज यू आर इन ओल्ड एज। तो 20 ईयर्स गॉन, 20 ईयर्स गॉन, एंड बीच में बचा क्या? 10 साल। 100 साल की आयु, वेरी ब्यूटिफुल कैलकुलेशन प्रहलाद महाराज सेस। एंड देन ही सेस वन हूज माइंड एंड सेंसेस आर अनकंट्रोल्ड बिकम इंक्रीजिंगली अटैच टू फैमिली लाइफ बिकॉज ऑफ इनसेटेड लस्टी डिजायर्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इल्यूजन, सच ए मैड मैन्स लाइफ। The remaining years are also wasted because of engaging himself into family life rather than engaging in. I'll explain this in a very simple calculation. I'm not going to the shlokas. 100 साल की आयु है, एक तिहाई तो चली गई, 100 साल तो आज कोई जीता नहीं है, फिर भी प्रहलाद महाराज बड़े उदार हैं। 100 साल की आयु दिया जाओ तो उसमें भी कैसे वक्त निकालते हैं, एक तिहाई गई, कितना गया? 33 33 33 ईयर्स गया ना, 33 33 33 999 ना, तो 33 ईयर्स गॉन। उसके बाद
20 साल गए बचपन के और जवानी खेलने कूदने में, 20 साल गए, 30 प्लस 20 50 ईयर्स, 60 से लेके 20 साल जो है 80 तक का, वो कमर दर्द, हाथ दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, दुनिया भर का दर्द, बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये वो उसी में, हार्ट डिसीज, बाईपास, ये वो कराने में 20 साल वो चले गए। अब बचा के 30 ईयर्स, इन दिस 30 ईयर्स क्या क्या करना है? करियर बनाना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चे को बड़ा करना है, उसका शादी कराना है, जितने भी अपने समाज के लोग, अपने व्यवहार के लोग, अपने पहचान के लोग, उनके साथ संबंध रखना है, ये सब में हमारा 30 साल चला जाता। अब बचा 100-0, भक्ति कब करें? देयर इज नो प्लेस, नो चांस फॉर वन टू डू डिवोशन। दैट्स व्हाई प्रहलाद महाराज सेज बेटर स्टार्ट डिवोशन इन चाइल्डहुड इटसेल्फ, बचपन से ही भक्ति करना चालू करो। और कोई बचपन में अगर भक्ति करता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं? अरे बेटा अभी नहीं, हो तो बुढ़ापे में करने वाली चीज, डोंट डू डिवोशन नाउ, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू एट ओल्ड एज। और बुढ़ापे में कमर सीधा नहीं होता है, दांत रहते नहीं है खाने के लिए, आंख दिखता नहीं है, हाँ आप भगवान की किताब क्या पढ़ोगे? कान सुनाई नहीं देगा भगवान का, और दांत भी नहीं रहेगा, तो हवा ही निकलेगा, फू 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 करके हवा निकलेगा, और फर्राम फ्राम फ्राम वो भी उड़ेगा, राम नाम भी नहीं ले पाओगे, क्या फायदा? तो इट्स बेटर वी फोकस ऑन डिवोशन एट अ यंगर एज, बिकॉज अ पर्सन एट अ यंगर एज व्हेन ही स्टार्ट्स ही डजंट हैव टू टेक मोर एफर्ट्स, बट एट अ मेच्योर एज व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स डिवोशन इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी दारू छोड़ना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, क्यों? बचपन में ये सब चीजें पकड़ लिया और अब छोड़ना बहुत भारी पड़ता, प्रभु जी जुआ छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, सब गंदे चीज, गले चीज सब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज बचपन में जब भक्ति करना था, व्हेन यू हैव टू टेक अप डिवोशन, दैट टाइम यू आर बिजी टेकिंग अप ऑल दीज नॉनसेंस, एंड नाउ इफ यू गेट अ रियलाइजेशन ऑल्सो, ओह नाउ आई वेस्टेड माई टाइम, एटलीस्ट अब जो जीवन बचा है मैं उसमें थोड़ा भक्ति करूंगा, अपना कुछ फायदा करके लूंगा, आई एज अ सोल विल बी बेनिफिटेड ओनली इफ आई डू डिवोशन। एंड जब वो बात आएगी दैट टाइम यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, प्रभु जी एकादशी तो होता ही नहीं, 4 टाइम खाने वाला आदमी हूं मैं, ऐसे उपवास रखूंगा? वही बचपन में बच्चे खेलते खेलते निर्जला उपवास कर लेते, मैंने खुद देखा है हमारे बच्चों, हम लोग को तकलीफ होता था और बच्चों को तकलीफ नहीं होती, सो जाते थे, वो थक गए सो जाते थे, 6 बजे सो जाते, बट दे यूज टू डू नाइसली। तो एंड व्हेन यू आर यंग ना, योर बॉडी ऑल्सो सपोर्ट्स ऑल दीज ऑस्टेरिटीज, एंड ओल्ड एज दुनिया भर की तो गोलियां खानी होती, कैसे आप भक्ति करोगे, कैसे आप उपवास करोगे, कैसे आप तपस्या करोगे? इसके लिए बचपन में ही भक्ति कर लेना, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट एंड इफ वन इज नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट ही इज अ वेस्ट, दैट इज व्हाई प्रहलाद महाराज यूज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सिल्कवर्म, रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम आता कैसे किसी को पता है? रेशम का कपड़ा बनता है ना, कैसे बनता है रेशम की धागा, कैसे बनता सिल्कवर्म का वॉमिट, है? हाँ, सिल्क वर्म का वॉमिट, बट हाउ डज इट कम आउट? इट कीप्स ऑन एक्सट्रूडिंग दैट थ्रेड, यू नो मुंह से धागा निकलते रहते, एंड हाउ डज इट, व्हाट डज हैपेंस? इट स्टार्ट्स वाइंडिंग इट अराउंड इटसेल्फ, एंड में ऐसा परिस्थिति हो जाता है, इतना घूम जाता है वो धागा उसके ऊपर कि पूरा एक बॉल बन जाता है, उसके अंदर कीड़ा रह के फंस के मर जाता है। एंड डोंट वरी, हमारा आयु भी ऐसे ही, प्रहलाद महाराज से हम भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए यही सिल्कवर्म की तरह
बस मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा समाज, मेरा ये वो, ये करते करते ऐसे जाल में फंसे हैं ना, ऐसे जाल में। प्रभु जी क्या करें, बच्चे का स्कूल, प्रभु जी बच्चे का एग्जाम है, प्रभु जी ये है माना, कुछ रास्ता निकालो, थोड़ा वक्त निकालो, नहीं तो आप ही मरोगे उस रेशम के कीड़े की तरह, उसकी के अंदर फंसे फंस फंस के मर जाओगे। एंड वी आर ऑल सफरिंग लाइक दैट, बट लीस्ट डू वी अंडरस्टैंड। वेरी विशियस सर्कल, इफ वन डजंट कम आउट ऑफ इट डेफिनेटली। सो प्रहलाद महाराज सेज, आई रिसीव दिस नॉलेज फ्रॉम नारद मुनि, एंड व्हेन डिड ही रिसीव इट, व्हेन ही वाज इन हिज मदर्स वूम, माँ के गर्भ में था तब उसने सीखा। तो इसमें फायदा क्या है, माँ के, माँ अगर बच्चा माँ के गर्भ में है तो अगर माँ यू नो डिवोशनल थिंग्स देखेगी या सुनेगी तो उसका फायदा है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है माँ तो हॉरर पिक्चर देखती या मार धाड़ वाला पिक्चर, तो बच्चा कौन सा प्रहलाद महाराज निकल गया, मर्डर एक्शन रोमांस ये वो ये सब, जो बच्चा माँ के गर्भ में वही सुन रहा है, ढिशुम ढिशुम, तो भव्य आके बाहर आके ढिशुम ढिशुम करेगा, वो थोड़ी प्रहलाद महाराज की तरह नारायण नारायण करेगा। इसके लिए आजकल द प्रॉब्लम इज पेरेंट्स देमसेल्व्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग डिवोशन, बट दे एक्सपेक्ट देयर सन टू बी प्रहलाद महाराज। दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर। पेरेंट्स शुड देमसेल्व्स इन्वॉल्व इन टू डिवोशन एट अ वेरी यंग एज, देन ऑटोमेटिकली द चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी डिवोशनल। दैट इज वे प्रहलाद महाराज से, ये सब मैंने नारद मुनि से सुना सुना था जब मैं माँ के गर्भ में था, और इसी को भागवत धर्म कहा गया है। भागवत धर्म मतलब क्या है, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे एंड देन वी क्लोज द क्लास। भागवत धर्म किसे कहते हैं, व्हाट इज भागवत धर्म? भागवत धर्म, आई एम गिविंग यू द क्लू, धर्म। नाउ लेट्स सी कितने लोग जवाब दे इस बात, फास्ट फास्ट फास्ट, 8:10, प्रभु 9:10। जी मैं ट्राई करूं, हाँ, पूछो मत, ट्राई करो। प्रभु जी मे बी वो ऐसा कुछ हो कि जो भगवान से हर चीज रिलेटेड, लाइक उनकी सेवा करना, भगवान का धर्म करना। टेल मी फास्ट, एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है यानी भगवान कौन है वो पता करके यानी भगवान को प्राप्त करना, वो हमारा भागवत धर्म। We are close. You have to understand that the most important purpose of our human life is to control our senses. The first thing you have to do is you have to control the senses. And in the Grihastha ashram, while doing all the other duties, one has to do the duty of towards God also. That is Bhagavad Dharma. Bhagavan ke prati dharma ko hi Bhagavad Dharma. Yes, Himanshu, what do you want to say? तो जी मैं कह रहा था कि भगवान के हिसाब से या अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करके लॉर्ड के हिसाब से करना था। ठीक है, गॉड के हिसाब से तो करना ही है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्रोल अवर सेंसेस, नॉट इंडल्ज इन टू रॉन्ग एक्टिविटीज, एंड देन फोकस अवर माइंड इन टू डिवोशन इज वॉट इज कॉल्ड एज भगवत धर्म, द एक्चुअल धर्म और एक्चुअल ड्यूटी विच वी आर सपोज टू फॉलो। सो विद दिस आई लाइक क्लोज टुडेज क्लास। एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट्स क्वेश्चंस कैन आस्क।